हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विथ रोशनी। मैं हूँ रोशनी। फ्रेंड्स, आज हम पीवीसी पाइप की हेल्प से कुछ यूनिक सा, कुछ एलिगेंट सा फ्लावर वॉज बनाने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं इसे किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमने ये फ्लावर वॉज क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ एक पीवीसी पाइप लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे वाइट ग्लू, फेविकॉल प्लस वाटर का मिक्सचर बना लेंगे और न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़ों की हेल्प से हम इस पाइप के ऊपर उसकी लेयर्स को फिक्स करते जाएंगे। ये लेयर हम इसलिए फिक्स करें ताकि हमें बाद में एक स्मूथ सरफेस मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेयर टू लेयर इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से पेपर लगाते जा रही हूँ। आपको यहाँ पर देखना है जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ, यहाँ लगाते जा रही हूँ पेपर, आप भी उसी प्रकार से इसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पीवीसी पाइप की हेल्प से बना रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में खराब पाइप पड़े हुए हो और या उनके टुकड़े हो, तो आप उनकी हेल्प से आप एक फ्लावर वाज बना सकते हैं। यदि आपके पास कार्डबोर्ड का रोलर रखा हो तो भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इतना होने के बाद मैंने 3-4 लेयर अप्लाई करने के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट प्लस मैंने यहाँ पे लिया है वाटर का मिक्सचर। तो हमने दोनों का मिक्सचर बना लिया है और दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद हमें इस पीवीसी पाइप को ड्राई होने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करना है। जिस प्रकार से आपने पेपर को अप्लाई किया था, उसी प्रकार से इसे भी आपको 3-2 times अप्लाई करना है और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देना है। तो आप देखिए, मैं जिस प्रकार से कर रही हूँ, सेम उसी प्रोसेस के साथ आपको करना है इस पाइप को। नेक्स्ट, इतना होने के बाद मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट प्लस वाटर प्लस फेविकॉल को मिलाया है और उसका एक मिक्सचर बनाया है। डो की तरह, जिस प्रकार आप रोटी का आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार से आपको एक वाइट सीमेंट ग्लू प्लस वाटर का डो बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर पीवीसी पाइप के ऊपर कुछ टेक्स्चर्स बनाने हैं, पैटर्न क्रिएट करना है फ्लावर के। तो मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप की हेल्प से फ्लावर के पैटर्न क्रिएट किए हुए हैं। मेरे पास कोई क्ले नहीं था और मैं विदाउट क्ले ही इसे बना रही हूँ। मुझे क्ले का यूज़ नहीं करना था, मुझे यहाँ पे पूरा वाइट सीमेंट का ही यूज़ करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ नहीं किया है। तो आप विदाउट क्ले, आपके पास क्ले नहीं है, फिर भी आप वाइट सीमेंट की हेल्प से आप कोई भी पैटर्न या कोई भी टेक्स्चर्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट के डो की हेल्प से एक फ्लावर को तैयार कर लिया है। जिस प्रकार से मुझे पैटर्न बनाना था फ्लावर का, तो मैं उसी प्रकार से उसे बनाते हुए जा रही हूँ। फ्रेंड, आप इसके पीवीसी पाइप के जो बेस सरफेस है, उस पर आप देखेंगे कि आपको एक लाइनिंग सा कुछ टेक्सचर नज़र आ रहा है। तो मैंने उसको फिंगर की हेल्प से ही, वाइट सीमेंट जब हम लगा रहे थे और वो वेट था, उसी टाइम पर मैंने उसको फिंगर की हेल्प से बना लिया था और वो अब पूरी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। उसके ऊपर मैं यहाँ पर फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आप देखिएगा कि ये बनकर बहुत ही सुंदर नज़र आता है और आपको घर की चीज़ों से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपके घर पे पीवीसी पाइप का टुकड़ा पड़ा है या कार्डबोर्ड का रोलर पड़ा हुआ है, तो आप उसे बहुत ही अच्छा सा, यूनिक सा एक फ्लावर वाज बना सकते हैं। इतना होने के बाद मुझे इसकी लीव्स बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे डो को जिस प्रकार से आप रोटी के लिए लोई लेते हैं, उस प्रकार से मैंने उसकी एक लोई ले ली और उसे यहाँ पे लीफ का मैंने शेप दे दिया है और माचिस की काड़ी की हेल्प से मैं उसके अंदर एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ लीफ का। उसके अंदर मैं लाइनिंग कर रही हूँ ताकि वो लीफ के टेक्स्चर में मुझे नज़र आए। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से लीफ को बनाते हुए जा रही हूँ। आपको भी सेम उसी प्रोसेस से करना है, चाहे वो माचिस की तीली ले लीजिए, चाहे कोई भी और लकड़ी ले लीजिए आप, या टूथपिक ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप लीफ को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। हमें इस तरह से, मुझे और एक फ्लावर क्रिएट करना था, तो मैंने यहाँ पर जैसे मेरे दिमाग में आते जा रहा था रिसेंटली, उस प्रकार से मैं उसे टेक्स्चर देते जा रही थी। तो इस प्रकार से मैंने 1 by 1 इसमें फ्लावर को क्रिएट कर लिया है, लीव्स लगा लिया है। और देखिए, अब यहाँ पर मैं और एक फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और अपने घर को आप इसी प्रकार से डेकोरेटिव बना सकते हैं अपने हैंडमेड चीज़ों के द्वारा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, ये ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद कितना खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, और जब हम इसमें कलर करेंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ सरफेस बनाने के लिए इसे थोड़ा रब कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से इसे रब करना है ताकि ये एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख लीजिए, पूरी तरह से मेक श्योर कर लीजिए कि ये एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। इतना होने के बाद आप इसे पेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पास, मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एशियन पेंट का ऑयल पेंट रखा हुआ था ब्लैक कलर का, तो मैंने सोचा मैं उसी को ट्राई करूँगी इस पर। तो मैं यहाँ पर ऑयल पेंट को यूज़ कर रही हूँ। आप देखिएगा, आप अच्छे से ऑयल पेंट, आपके पास जो भी पेंट रखा हुआ एक्रेलिक कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है, और क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऑयल पेंट निकलता नहीं है, एक्रेलिक कलर भी नहीं निकलता। लेकिन हाँ, आप इसमें वाटर कलर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर जब आप इसे वॉश करेंगे तो वाटर कलर क्या होता है कि वो वाटर बेस्ड होता है, जैसे ही आप इसे वॉश करेंगे तो निकल जाएगा। इसलिए आप, अगर आपके पास ऑयल पेंट नहीं है तो आप इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी चारों तरफ ऑयल पेंट कर दिया है, और मैंने यहाँ पे फ्लावर लीव्स को छोड़ दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरा कलर करना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 कलर करते हुए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसके बेस पे ब्लैक कलर कर दिया है। अब मैं इसके टॉप पर एक्रेलिक गोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि मैं इसके टॉप और इसके स्टेम पे गोल्ड कलर करूँगी और इसके लीव्स पे ग्रीन कलर करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं इसके टॉप पर और स्टेम पर मुझे गोल्ड कलर ही करना है, बाकी मैं दूसरे कलर्स का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर गोल्ड कलर को अप्लाई कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट इसकी लीफ पर ग्रीन कलर को अप्लाई करते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल केयरफुली इसे लगाना है, इसे फील करना है, ताकि ये बाहर दूसरे कलर पर मिक्स ना हो। और देखिए, मैं कितने ही केयरफुली इसे यहाँ पर फील करते हुए जा रही हूँ कलर को, और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। आपको 1 बाय 1 पूरी लीव्स को एक साथ कलर करते हुए जाना है। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से ग्रीन कलर का यूज़ कर लिया है, लीव्स में ग्रीन कलर कर लिया है। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो चुका। अब मैं यहाँ पे स्टेम में गोल्ड कलर कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे स्टेम दी हुई है, जिसके ऊपर फ्लावर और लीव्स लगी हुई है, वहाँ मैं गोल्ड कलर कर रही हूँ। इसे भी आपको केयरफुली ही लगाना है, ताकि ये दूसरे कलर पे मिक्स ना हो। मैंने इसे थोड़ा सा, इसकी जो कलर की जो चौड़ाई रखी उसे थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। मैंने उसको ब्लैक कलर के ऊपर भी थोड़ा सा लगा दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी गंदा ना नज़र आए। इस प्रकार आपको कलर करते हुए जाना है। इतना होने के बाद फ्रेंड, जहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि वाइट स्पेस छूटा हुआ है, तो आप वहाँ पर ब्लैक कलर से उसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे फ्लावर को अब मैं कलर से फिल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर के बॉटम एरिया पर येलो कलर कर दिया है, बीच में देख सकते हैं आप, और उसके पीटल्स में मैं यहाँ रेड कलर करूँगी। तो यहाँ पे सारे कलर्स मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, बस मैंने बेस पे ऑयल पेंट यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर बॉटम पे रेड कलर यूज़ करते हुए जा रही हूँ। थोड़ा सा वहाँ ब्लैक कलर था, इसलिए ब्लैक प्लस रेड मिलकर थोड़ा ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है वो। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी कलर यहाँ यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कलर को यूज़ कर लिया है। इस प्रकार से मैं पूरे फ्लावर पर रेड कलर यूज़ करते हुए चलूँगी। तो इस प्रकार हमने ब्यूटीफुल सा फ्लावर वॉज बनाकर तैयार किया है।
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को आपके लिए लेकर आ सकूँ और भी DIY आपको बता सकूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए प्लीज़। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोज़ को लेकर आऊँ। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।